तो आज मैं अहमदाबाद ओल्ड कोइन एग्जीबिशन में आ चुका हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हो अहमदाबाद कोइन और करेंसी वाला लिखा हुआ है और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको पूरा यहां पर सबूत देने वाला हूं कि किस प्रकार से अगर आपके पास में पुराने नोट और सिक्के हैं तो यहां पर आपको जो रियल जानकारी है वो कैसे मिलेंगी। और दोस्तों जो आपके नोट और सिक्के वो कैसे बिकने वाले, आप मेरे पीछे पूरा वो एग्जीबिशन देख सकते हो। तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंदर, मैं आपको दिखाने वाला हूँ जितने भी लोग अपने पुराने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं और ओल्ड कोइन एग्जीबिशन को देखना चाहते हैं रियल में ओल्ड कोइन एग्जीबिशन के अंदर कितने पैसे मिलते हैं और किस प्रकार से नोट और सिक्के बेचे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम आपको डिटेल के अंदर पूरी जानकारी बताएंगे, जैसे 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, मोर वाले नोट हैं या ट्रैक्टर वाले नोट हैं तो कितने पैसे मिलेंगे। तो चलो दोस्तों मैं भी चलता हूं अंदर। ये जो एग्जीबिशन है ये 2022 का सबसे बड़ा ओल्ड कोइन एग्जीबिशन होने वाला है, जहां पर दोस्तों आपको अलग अलग टाइप के ओल्ड कोइन जो कोइन और सिक्के पुराने नोट और सिक्के वो यहाँ पर आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग और बहुत का अलग अलग बायर आए हुए हैं। यहाँ पर टेबलो के अंदर आपको 50 रुपये के नोट हैं, ये 500 रुपये के पुराने नोट पड़े हैं। दोस्तों सिक्के होते हैं इस प्रकार से पेटीज के अंदर रखे जाते हैं और ये यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाले जो नोट हैं और ये मतलब 1 रुपये के हो गए हैं। मैं आपको और भी खा देता हूं, आप आराम से पूरा सिनेरियो देखिए, देख सकते हो। ट्रैक्टर वाले नोट हैं, 10 रुपए के नोट भी यहां पर रखे हुए हैं। तो इनकी क्या कीमत आपको मिल सकती है और कैसे मिलेंगी वो दोस्तों आपको सब कुछ जाने को मिलेंगी। और मैं दोस्तों आपको नंबर भी दूंगा, ये देख सकते हो। यहाँ पर आपको राजाओं महाराजाओं वाले सिक्के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग भी आया है। दोस्तों जो आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो आपको इसकी सही और सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, ये देख सकते हो दोस्तों। मैं आपको ये देख सकते हो ओल्ड कोइन एग्जीबिशन, मतलब यहाँ पर भर भर के सिक्के पड़े हैं और इनकी एक सिक्के की कीमत आपको यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपए नहीं दोस्तों 50-50 और 60-60 लाख रुपए आपको मिल सकती हैं। ये बाबूजी देख रहे हो यहाँ पर ओल्ड कोइन एग्जीबिशन के अंदर यहाँ पर नोट और सिक्के वो बेच रहे हैं। क्या होता है सभी लोगों के नोट और सिक्के बिकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं जो दिखा रहा हूँ आपको इसकी मतलब एकदम ये रियल हैं। अभी दोस्तों मैंने आपको पूरा सीनरी यहाँ पर बता दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो नोट फटे हुए नहीं होने चाहिए और जो आपके सिक्के वो ख़राब नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप जो मेरे पीछे इतना बड़ा ओल्ड कोइन एग्जीबिशन देख रहे हो आपके सारे नोट और सिक्के बिक जाएंगे। ध्यान से वो देख सकते हो। यहाँ पर आपको 5 रुपए के हैं, महात्मा गांधी वाले जो नोट है 5 रुपए के हो गए और 5 रुपए के अलग अलग टाइप के मैं आपको नोट दिखाने वाला हूं। ये देख सकते हो ये महात्मा गांधी वाले, इसके पीछे महात्मा गांधी जी की फोटोज हैं और नीचे वाले ट्रैक्टर वाले नोट हैं, अशोक स्तंभ की आकृति वाले जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हैं। आपको इनको देखकर एक बार भी दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पुराने हैं। दोस्तों अभी मैं आपको वीडियो के अंदर जो ये ओल्ड कोइन एग्जीबिशन का पूरा एड्रेस और नंबर देने वाला हूं, जहां पर दोस्तों आपको 5 से 6 लाख मिल जाएंगे। अभी आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो ये 1000 रुपये के जो नोट बंद हुए थे 2015 के आसपास में, तो इन नोटों को पुराने नोटों से को यहाँ पर करेंसी के अंदर दोस्तों शामिल कर दिया है। यहाँ पर एक नोट है 1000 रुपये का वो दोस्तों आपको 15 से 25 लाख रुपए दिला सकता है। यहाँ पर आप और भी टेबल के अंदर कांच की जो है टेबल उसके अंदर बंद किए हुए हैं। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको नंबर देने वाला हूँ। और जो ये अहमदाबाद का जो ओल्ड कोइन एग्जीबिशन इतना बड़ा शुरू हुआ है मैं आपको यहाँ पर पूरा सिनेरियो पूरी जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों आशा करूंगा कि यहां पर दोस्तों आपके एक एक करके सारे नोट और सिक्के बिक जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको यहां पर आगे जो नियम और रूल है वो भी बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों पुराने नोट और सिक्कों के नाम पर आपके साथ में कोई भी विश्वासघात की ओल्ड कोइन शॉप और ओल्ड कोइन म्यूजियम भी लगाए जाते हैं। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनके नोट और सिक्के नहीं बिक पाते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर इस ओल्ड कोइन एग्जीबिशन के अंदर आज ही भाग ले सकते हो। और भाग लेने के लिए आपको यहाँ पर कौन कौन से मतलब आपको किस प्रकार से भाग लेना होगा। और अगर आप भाग नहीं लेना चाहते हो, अपने घर पर बैठे ही अपने नोट और सिक्के बेचना चाहते हो तो वो भी सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, जिनके माध्यम से आप यहां पर आसानी से नोट और सिक्के बेचकर पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंदर, जहां पर आपको रियल और सही और सटीक जानकारी देने वाला हूं। और सही और सटीक जानकारी के साथ में यहाँ पर आपको, अगर आप छोटे बच्चे हो, विद्यार्थी हो, अगर आपने कुछ पढ़ाई कर रखी है, अगर आपने कोई भी पढ़ाई नहीं कर रखी है, फिर भी अगर आप अपने नोट और सिक्के बेचना चाहते हो और बैंक खाते के अंदर पैसे लेना चाहते हो तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं अंजन दास बाबू अपना आपको मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर देने वाला हूं, जिनके माध्यम से आप मेरे से यहाँ पर सीधा कांटेक्ट कर सकते हो और दोस्तों मेरे से बात भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको ये नोट और सिक्के किस प्रकार से बेचने होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपके पास में 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, मोर वाले नोट है, ट्रैक्टर वाले नोट हैं या 100 रुपये का नोट है, 500 और 1000 के नोट हैं। तो यहाँ पर उनके अंदर ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए, क्या उनके सीरियल नंबर होने चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको कहीं पर भी अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर देने वाला हूं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप रियल में अपने नोट और सिक्के बेचना चाहते हो और बैंक खाते के अंदर पैसे लेना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है और यहाँ पर आपके सारे नोट और सिक्के बिक जाएंगे। जी हाँ भाई और बहनों दोस्तों, अगर आप यहाँ पर गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करते हो और लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, आप यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो देख कर थक चुके हो लेकिन अभी तक आपका एक भी नोट और सिक्का नहीं बिका है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें अभी अभी यहाँ पर ट्रैक्टर वाले नोट की डिमांड बढ़ चुकी है। जैसे उनका कोई यहाँ पर क्या सीक्रेट रहेगा तो वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, उनके गवर्नर या कोई उनका कोई सीरियल नंबर। और अगर आपके पास में सिक्के हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है और यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में आसानी से अपने सारे नोट और सिक्के बेच सकते हो। तो दोस्तों वीडियो मैंने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में बनी है तो आप आराम से देखेंगे तो यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और इसी के साथ में दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर नोट और सिक्के बेचने के लिए यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी के साथ में मैं अंजन दास बाबू आपको ओल्ड कोइन एग्जीबिशन मुंबई का एड्रेस देने वाला हूं, जिनसे आप सीधा यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दोस्तों आप सभी को बता दें यहाँ पर सोशल मीडिया पर कुछ फ्रॉड लोग घूम रहे हैं जो दोस्तों पुराने नोट और सिक्कों के नाम पर आपके साथ में धोखा कर सकते हैं। आपको ये भी बोल सकते हैं कि हम आपके नोट और सिक्के बिकवा देंगे और यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप सभी से यही विनती है कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, नहीं तो दोस्तों आपको फ्रॉड या धोखे का शिकार बनाया जा सकता है और साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। कल ही मैंने यहाँ पर ओल्ड कोइन एग्जीबिशन का कंपनी की तरफ से मेल आया है और मैंने यहाँ पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट रहता है टेलीग्राम पर, वहाँ पर कम से कम यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर रेगुलर देखते भी हैं और विजिट भी करते हैं। तो वो कैसे आपको ज्वाइन करना होगा वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर रमेश, राहुल, मनीषा और कई सारे लोगों के कमला के जिनके नोटों के बिके हुए हैं, किन्हीं को 3 लाख तो किन्हीं को 4 लाख, किन्हीं को 5 लाख और किन्हीं को 6 लाख रुपए मिले, किन्हीं को 50 लाख और किन्हीं को ज़्यादा भी पैसे मिले हैं। दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आपके पास में कौन कौन से नोट और सिक्के हैं और उनकी क्या वैल्यू उस समय रहेगी, क्योंकि वैल्यू भी हमेशा ऑफर के साथ में टाइम टू टाइम और हर सेकंड कर सकता है और बोलेगा कि हम आपके नोट और सिक्के इस प्रकार से देख सकते हो, हम आपके बिकवा देंगे। तो वहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, ये देख सकते हो यहाँ पर और भी सिक्के हैं, ये बायर यहाँ पर बैठे हैं, कुछ कलेक्ट कर रहे हैं और नोटों और सिक्कों को लोगों से ले रहे हैं। यहाँ पर पूरा बड़ा बड़े कलेक्शन आप देख सकते। नंबर देने वाला हूँ और ये जो पूरा एड्रेस दूंगा मैं आपको अहमदाबाद का, अगर आप यहाँ पर ये देख सकते हो इंडियन ग्राइंडिंग कंपनी का पीछे यहाँ पर कार्ड भी लगे हुए हैं PMCSC का। और ये जो लोग हैं वो अलग अलग आए हैं, ये देख सकते हो यहाँ पर, और महाराज है वो भानुभाव बैठे हुए हैं। तो दोस्तों चलिए फाइनली दोस्तों अगर आप हमारे विकेश टीवी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों आप यहाँ से चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हैं विकेश टीवी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये जो सब्सक्राइब बटन है आपको यहाँ से दबा लेना है। उसके बाद में दोस्तों जो आपको यहाँ पर घंटी का निशान मिलेगा आपको इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो ये ऑल नोटिफिकेशन है वो भी दोस्तों आपको यहाँ से ये ऑल नोटिफिकेशन को दबा लेना है। तो दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन दबाने के बाद में यहाँ से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर के बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये जो तीर का निशान है आपको इस पर ध्यान से देख लेना है कि यहाँ पर मैं आपको 2 वेबसाइट बताऊँगा, आपको जो अच्छी लगे आप उसको सर्च करके देख सकते हो। एक ये है pariyargyan.com वेबसाइट है जो आपको गूगल पर सर्च कर लेनी है, दूसरी है oldcurrencyvalue.in। तो ये जो वेबसाइट है oldcurrencyvalue.in है, आपको यहाँ पर नाम मिलेगा oldcurrencyvalue.in। तो आपको ये या pariyargyan.com जो वेबसाइट है ये सर्च करके देख लेनी ताकि आपके नोट और सिक्के है वो जल्द से जल्द बिक जाएंगे। अगर आपके पास में कोई भी नोट और सिक्का पड़ा है तो आप इस वीडियो के नीचे यहाँ पर हमें कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसने देख लिया लेकिन वहाँ पर सिक्के वो पैक्ड सिक्के हैं तो मैं उन्हीं प्रकार से आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे अगर आपके पास में ऐसा 5 रुपये का सिक्का मिलता है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर हिंदी में भारत रुपये और इंग्लिश में इंडियन रुपीज अशोक स्तंभ की आकृति सतह में जैसे निश्चित दोस्तों आपको 5 रुपये लिखा हुआ मिल जाएगा। ये दोस्तों सिक्का नहीं सिल्वर कलर का है नहीं गोल्डन कलर का है, दोस्तों ये सिक्का कॉपर निकल का बना हुआ है जो आपको भूरे रंग का या ब्राउन कलर के अंदर दिखाई देता है। ये दोस्तों एक सिक्का आपको 20 लाख रुपए दिला सकता है, जो दोस्तों मैंने आपको पूरा सबूत दिखाया है। अभी दोस्तों ये है 2 रुपये का सिक्का भारत रुपए इंडियन रुपीज अशोक स्तंभ की आकृति सतह में जैसे, और दोस्तों नीचे आपको 2 रुपये लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर 1950 से 2000 सन का ये वाला जो सिक्का है 2000 सन तक, और यहाँ पर यह सिक्का बिल्कुल सिल्वर कलर का सिक्का है लेकिन ये थोड़ा जंग लगने की वजह से खराब हो चुका है, मुझे किसी और ने भेजा। लेकिन दोस्तों ये एक सिक्का आपको 15 लाख रुपए दिला सकता है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके पास में सिक्के या नोट पड़े वो दोस्तों सही सलामत होने चाहिए। तो दोस्तों आपको उनकी कीमत है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप ये समझते हैं कि वो हमारे सिक्के हैं वो पुराने हो गए हैं, चाहे वो 10 रुपये का श्री माता वैष्णो देवी या दुर्गा माता का ही सिक्का क्यों ना हो, अगर आप ऐसा कुछ भी कर लेते हैं तो दोस्तों आपको पैसे वो नहीं मिल पाएंगे। भारत इंडिया 10 रुपये अशोक स्तंभ क्या करती सतह में जाते, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, इंग्लिश में लिखा है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। दोस्तों यहाँ पर डॉट है, माता की फोटो 2012 सिल्वर जो भी हैं, और ये वाला सिक्के हैं वो दोस्तों आपको 12 से 13 लाख रुपए दिला सकता है। अब हम बात करते हैं ये दोस्तों एक और 5 रुपए का दुर्गा माता का या दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी का सिक्का है। ये 5 रुपए के सिक्के हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो ये गोल्डन कलर पे हैं, और ये वाला दोस्तों सिक्का वो सिल्वर कलर में है। आप ये वाला जो नोट देख रहे हो 1 रुपए का, ये वाला यहाँ पर कभी भी 1 रुपए के नोट पर गवर्नर के साइन नहीं होते, और नहीं दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई बैंक के द्वारा है वो नोट और सिक्के छापे जाते हैं और सिक्के बनाए जाते हैं, ढाले जाते हैं, वो कभी भी 1 रुपए के नहीं होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होते हैं और वहां पर हमेशा फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। तो आप देख लीजिए, लेकिन आप इन सीरियल नंबरों में देखेंगे जो यहाँ पर आरबीआई बैंक के द्वारा नहीं बने होते हैं, वहां पर इस प्रकार से एक सफेद कलर में आपको एल लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं आपको अभी आरबीआई वाले नोट है वो भी दोस्तों दिखाने वाला, तो दोस्तों इससे आपको पूरा डिफरेंस रहता है वो पता चल जाएगा। और आप ये सिक्के देख सकते हो 2013 का है, ये 1990 का है, ये देख लिए। अब दोस्तों ये वाला जो 5 रुपए का ट्रैक्टर का नोट है, आप इन नोट को ध्यान से देखिए, विमन जालन गवर्नर के साइन है, और ये वाला नोट है वो भारतीय रिजर्व बैंक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इस नोट को छापा है, इस नोट के द्वारा जारी किया है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया था कि 1 रुपए के नोट में जब सीरियल नंबर थे वहां पर एक बड़ा सा सफेद कलर में एल लिखा होता, व्हाइट कलर में, लेकिन आप इन सीरियल नंबरों को ध्यान से देख लीजिए, आपको ऐसा कुछ भी दोस्तों नहीं दिखा दे रहा है। लेकिन इस सीरियल नंबर में आप देख सकते हो जो जीरो की मात्रा है वो दोस्तों 2 12 ने जीरो को यहाँ पर 2 12 है, आप ये भी देख सकते हैं 1 के बाद में जीरो हैं और 4 के बाद में भी जीरो हैं। आप इसके पीछे देख सकते हो ये 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला दिखने को मिल जाएंगे, और जो अगर आपके पास में होते हैं तो आपको पैसे वो ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर आपको वो सिक्के देखने को मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो श्री माता वैष्णो देवी के सिक्के हो गए, और यहाँ पर आपको 5 रुपए श्री माता वैष्णो देवी माता देवी 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के। दोस्तों अगर आपके पास में यहाँ पर कोई भी नोट और सिक्का पड़ा हो और जिनको आप बेचना चाहते हो और बैंक खाते के अंदर पैसे लेना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और इस वीडियो के माध्यम से आपको कई प्रकार की जानकारी मिलेगी, और दोस्तों आपके यहाँ पर नोट और सिक्के वो जल्द से जल्द यहाँ पर है वो बिकना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसे आपके पास में श्री माता वैष्णो देवी 1 2 3 4 दोस्तों यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी के जिस भाई ने मुझे सिक्के भेजे उसके अंदर 4 सिक्के हैं वो श्री माता वैष्णो देवी के हैं। तो दोस्तों 1 2 और 3 ये वाले 3 सिक्के हैं वो हैं 5 रुपए के श्री माता वैष्णो देवी के सिक्के, और ये जो बड़ा वाला है ये है 10 रुपए का श्री माता वैष्णो देवी का सिक्का। अगर दोस्तों आपके पास में 5 रुपए का एक सिक्का है तो यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए आराम से मिल। अगर आपके पास में ये 10 रुपए वाला सिक्का है श्री माता वैष्णो देवी का तो यहाँ पर 9 से 10 लाख, और 5 रुपए का सिक्का है 2008 सन वाला तो ये भी दोस्तों यहाँ पर आपको 3 से 4 लाख रुपए आराम से दिला सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मतलब एक नोट, और मैं आपको सिक्के दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 20 सिक्के हैं और प्लस में एक नोट है, तो अगर आपके पास में टोटल 21। तो दोस्तों आपसे ओल्ड कॉइन बार बोलेगा कि आपके पास में टोटल 21 मतलब नोट और सिक्के हैं, और मैं आपको यहाँ पर मतलब 2 से 3 करोड़ रुपए दूंगा, तो वो आपसे इसी प्रकार से बोलेंगे। तो आपके सिक्के वो मतलब खराब नहीं होने चाहिए। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि दोस्तों यहाँ पर आपको और बढ़िया तरीके से समझ में। विशेषकर दोस्तों आपके सिक्के वो कोरोड या खराब नहीं होने चाहिए और उन पर जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में सिक्के हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये नोट हैं जिसकी कीमत दोस्तों यहाँ पर 5 लाख से लेकर यहाँ पर 50 लाख रुपए तक बताई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको अभी और दिखाने वाला हूँ, ये भी आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर जो 8 है वो दोस्तों यहाँ पर 2 बार काउंट हो चुका है और एक बार यहाँ पर 786 इस सीरियल नंबर के अंदर मेंशन किया है। यहाँ पर गवर्नर के साइन रहते हैं और गवर्नर है वो बैंकों के रहते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये मतलब एक इंडिया का बहुत बड़ा मतलब गवर्नमेंट बैंक है जहाँ से सारे नोटों सिक्के वो मतलब सिक्के ढाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, और नोटों को दोस्तों यहाँ से वो जारी किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने यहाँ पर मैक्सिमम नोटों और सिक्कों की जानकारी ले ली है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे कॉन्टेक्ट करना होगा। तो दोस्तों जो मैंने आपको अहमदाबाद वाला दिखाया था, तो मैं आपको नॉर्मल नंबर दूंगा। आप एक दिन के अंदर 5 बार कॉल कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो दोस्तों आप सुबह शाम मिलाकर यहाँ पर 5 से 6 बार ये व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो और साथ में वीडियो कॉलिंग। और अगर आप यहाँ पर पुराने नोटों और सिक्कों की प्राइस जानना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएँ, तो वो भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वो आपको यहां पर गूगल पर सर्च कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो मैं बता रहा हूं वही आपको सर्च करना है। यहां पर लिखना है आपको ओल्ड कोइन। यहां पर आप ध्यान से देख लीजिए ताकि आपका ओल्ड कोइन प्राइस लिस्ट, और उसके बाद आपको लिखना है 2022। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए ओल्ड कोइन प्राइस लिस्ट 2022 आपको लिख कर यहाँ पर है वो आपको सर्च कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ये ओल्ड कोइन प्राइस लिस्ट के नाम से सर्च करोगे तो यहाँ पर लिखा होगा इमेज। तो दोस्तों इसी इमेज यानी फ़ोटो पर आपको क्लिक करना होगा हिंदी में तो, और ये देख लीजिए दूसरे नंबर पर आपको लिखेगा ओल्ड इंडियन कोइन वैल्यू और यहाँ पर लिखा होगा 25 लाख। तो दोस्तों आपको इस फ़ोटो पर है वो क्लिक कर देना है और नीचे लिखा होगा विजिट, तो आपको इस पर दबाना। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इस फ़ोटो पर एक बार क्लिक करना है, इस पर लिखा होगा विजिट। जैसे आप विजिट पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आप सीधा इस वेबसाइट के अंदर चले जाओगे और यहाँ से दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ से भी सर्च करके देख सकते हो।